आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये बयान है तो ये बात सही है कि देश में 25 तारीख को आपातकाल लगा था, लेकिन ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से इस देश में है। आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आज जो है एक तरह से अघोषित आपातकाल है, इसलिए है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह नहीं सकता, संघर्ष नहीं कर सकता और सभाएं नहीं कर सकता, घेराव नहीं कर सकता, प्रदर्शन नहीं कर सकता। ये चीजें जो है लोकतंत्र में और किसी देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस देश में मीडिया कितना निष्पक्ष और स्वतंत्र है। तो आज की डेट में आप खुद जानते हो कि मीडिया जो कि एक बहुत लोकतंत्र में एक तरह से शोकम्बा राज माना जाता है, स्टेट गवर्नमेंट मानी जाती है, लेकिन उसका भी उसके ऊपर भी नियंत्रण है। लाख हमारे जो प्रेस के लोग हैं लेकिन छापेंगे लिखेंगे, लेकिन उनके मालिकान जो हैं तो कहीं दूसरी जगह से डील हो रहे हैं। तो ये कहना कि 25 जून ये काला धब्बा है, ये है, तो आदरणीय मोदी जी को तो सबक लेना चाहिए था, उस आपातकाल से सबक लेना चाहिए था। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि राजनीतिक हार हुई आप लोगों की, अहंकार नहीं गया, लेकिन मोदी जी का नैतिक हार हुई है जो, उसके बाद भी आप ऐसे बयान देते हैं। अब देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बयानात आते थे कि 400 के पार, और हमारे उत्तर प्रदेश में कहते थे 80 में 80, तो ये अहंकार नहीं है तो और क्या है, और सफाया हो गया। आज समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी, लोकतंत्र में लोकसभा में हमारे 37 सांसद हैं, और उस समय है जबकि तमाम ऐसे हमारे सांसद हो जाते अगर उनके काउंटिंग के समय, चुनाव के समय छेड़छाड़ न हुआ होता तो हमारी स्थिति और होती। आखिरी सवाल है, स्पीकर अध्यक्ष का चुनाव होना है आज, संभवतः नाम जारी कर सकते हैं, कैसे मुकाबला देख रहे हैं, क्योंकि टफ मुकाबला है, विपक्ष कह रहा कि हमारी तरफ से होना चाहिए। ये तो रणनीति है और रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता, लेट अस वेट एंड सी, देखेंगे आप जो होना है होगा। ये रणनीति है और रणनीति का खुलासा हम कैसे कर सकते हैं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं और हमारे इंडिया गठबंधन के आदरणीय राहुल जी हैं और सारे लोग हैं, तो ये रणनीति जो बनेगी वो आपके सामने, देश के सामने आएगी।